देवा हो देवा, गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और उनके भक्त जनों में भारती सिंह से बढ़कर कौन? भारती कितनी बड़ी भक्त है पापा की? आप साइज देख लीजिए कितना बड़ा, मतलब 90 किलो की भक्त हूँ मैं, यानी कि 3-4 भक्त मिला के एक भक्त बनती हूँ। और मैं वाकई बहुत फ़ैन हूँ इनकी। लोग कहते हैं अरे भारती जी हम आपके फ़ैन हैं, मैं इनकी फ़ैन हूँ, क्योंकि 3 साल जब आए ये इतने क्यूट लगते हैं, मतलब गणपति जी हमेशा बेबी ही लगते हैं, ऐसे लगता है बड़े नहीं हुए वो, डैडी थोड़े ऐसे गुस्से वाले लगते हैं इनके, है ना, थोड़ा आराम से बात करो ये वाले, बट बड़े क्यूट है। और मैं बहुत एक्साइटेड थी पिछले काफ़ी दिनों से, मैं सिंगापुर अमेरिका मेरे शोज़ हो रहे थे मेरे को, लेकिन मेरा ध्यान इंडिया में था गणपति पापा के, मेरे गणपति जी बन गए होंगे, उसने हल्दी किया होगा ना, कॉफ़ी वाला ही किया होगा ना, क्योंकि मैंने जब विसर्जन करना है इनको तो मुझे पौधों पे डालना, तो मैं चाहती कि पौधे भी ख़राब ना हो, तो मैंने जब देखा मुझे भारती की इको फ्रेंडली गणपति है, हमेशा इको फ्रेंडली ही लाती है। इस बार के गणपति की क्या खासियत है? खूब सजे धजे एकदम आपकी ही तरह लग रहे हैं सजे धजे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार थोड़े हमारे गणपति पर गोरे हैं थोड़े, और हल्दी का पूरी धोती वोती गहने हल्दी के हैं, प्योर हल्दी के जो खास पिसवाई गई है, ये सब कॉफ़ी है, मतलब फुल प्योर वेज गणपति जी हमारे हैं। और आँखें उनकी देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, और हार वार एकदम आप ही की तरह एकदम, अभी बताना नहीं था लेकिन अभी ये लक्ष्मी हार है जी जो गणपति जी को पहनाया गया है, ये एक्चुअली गणपति जी 3 साल से पहन रहे हैं हमारे घर में, मम्मी ने बनवाया हुआ है, ये 3 साल से पहन रहे हैं। और सब लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मांगना चाहते हैं आप गणपति जी से, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। इस बार क्या खास ख्वाहिश है पापा से? कुछ ख्वाहिश नहीं, मतलब इतना बिना मांगे इतना दे दिया है बस, जितने भी मीडिया वाले आए हैं मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो सब शादीशुदा होके आएँ, और मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मीडिया कवर करने आता है, क्योंकि मीडिया है तो हम लोग हैं। जैसे नॉर्थ में पंजाब साइड में गणपति जी ये वाला त्यौहार का बहुत कम लोगों को पता है, टीवी पे देखते तो पता, लेकिन उनको पता कि अरे भारती सिंह कर रही है तो बहुत देखते हैं, और बहुत लोग ट्विटर पे फेसबुक पे टैग करते हैं कि आपने गणपति जी किए ये वो। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं पंजाब में थी, जब मैं लाफ्टर चैलेंज में आई तो मैंने देखा मेरी बिल्डिंग के नीचे ये हो रहे, तो मैंने पूछा ये क्या होता, कहते गणपति जी लाते हैं कोई 1.5 दिन 5 दिन 11 दिन फिर विसर्जन करते हैं। मैं क्या अच्छा, मैं कहा ठीक है मेरा अच्छा हो जाएगा तो मैं भी करूँगी। मैं 3 साल पंजाब में किया और अभी 3रा साल गणपति जी का इधर, टोटल 6 साल हो गए। अच्छा आज काफ़ी बढ़िया प्रिटी लग रही है आप गणपति स्पेशल में, तो एक ठुमका भी आप थोड़ा बस, एक्चुअली बिना खाए इतना ही बचता है, अगर खाया होता तो वैसे ऐसे होता, ये बिना खाए इतना ही बच रहा है। और अपना कॉस्ट्यूम वगैरह थोड़ा ड्रेस आज क्या कहते हैं, देखिए कैमरामैन दीवाना कहीं का मेरा, झुमके झुमके ये और झुमका मेरा झुमका उठा के, सॉरी गणपति जी वो भी मुझे क्या चाहेंगी इस बार वापस से, क्या मांगे? क्या मांगूंगी मैं, चाहूंगी कि मेरा नया शो शुरू हो रहा है, भगवान गणपति पापा जी पूरी कृपा करें, क्योंकि मेरी पूरी टीम जो कॉमेडी सर्कस वाले पूरी टीम पूरे क्रिएटिव टीम, हम लोगों ने 3 महीने ब्रेक लिया कॉमेडी सर्कस से कुछ नया करने के लिए, और हम नया शो लेके आ रहे हैं एकदम अलग और एकदम फाड़ू। क्यों गणपति जी इस बार क्या नया होगा, मतलब कितना कुछ क्या तड़का लगाएंगे भारती से? तड़का मैं सारा देखना, मैं ऐसा तड़का बना के लाऊंगी कि दाल में ऐसा तड़का लगाऊंगी कि बस आपको बड़ी सटल भारती देखने को मिलेगी, मतलब थोड़ी ऐसी वाली जो मैं हूँ अंदर से वो भारती देखने को मिलेगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल गणपति जी का विसर्जन है, और गणपति जी मुझे विसर्जन में जाते वक्त क्या आशीर्वाद देंगे, कल मेरे नए शो का प्रोमो शूट है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर शो और बेस्ट ऑफ लक, जैसे पहले सराहा है लोगों ने अभी भी आपको उतना ही प्यार मिलेगा, हम यही चाहेंगे। कैमरामैन फैजान के साथ नूपुर माउची फॉर टेली मसाला।